पिछले कुछ वर्षों से हमारे राज में आक्रमण की घटनाएं बढ़ गई हैं। मेरे अनुसार समय आ गया है अपने वर्चस्व की घोषणा करने का, संदेश प्रसारित करने का कि कौशल राज्य हर चुनौती का उत्तर देना जानता है। गुरुदेव, अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है। गुरुदेव, आपकी अनुमति है? अवश्य दशरथ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। यह अश्वमेध यज्ञ कौशल राज्य के लिए, रघुवंश के भविष्य के लिए अत्यंत हितकर सिद्ध हो। सुमंत्र जी, महाराज, राजपुरोहित जी से कहिए इस अश्वमेध यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाएं और अश्व की दिग्विजय यात्रा के लिए तैयारियां आरंभ की जाएं। जी महाराज। विजय। जी महाराज। तुम अश्व के साथ अपनी सेना लेकर जाओगे? अवश्य। राम, मेरी इच्छा है कि उस अश्व का चुनाव तुम करो। जी पिताजी। आते भाई, जब से पिताजी ने अश्वमेध की घोषणा की, आप कुछ व्याकुल से हैं। सब ठीक तो है ना? अश्वमेध की आवश्यकता के बारे में सोच रहा। आवश्यकता तो है ना भैया, हमारा अश्व समस्त आर्यवर्त की दिग्विजय यात्रा करके लौटेगा और फिर कौशल राज्य का वर्चस्व स्थापित होगा और फिर उसी अश्व की बलि चढ़ा दी जाएगी। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा मंगल हो राम। इतने अश्वों में सर्वश्रेष्ठ अश्व का चयन किया है तुमने राम, और ये भी जानता है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। रघुवंश की प्रतिष्ठा और कौशल राज्य के वर्चस्व का प्रतीक बनकर इसे निरंतर एक वर्ष तक दिग्विजय यात्रा करनी होगी। अश्वमेध किसी भी अश्व के लिए सरल नहीं होता है, है ना राम? जब से अश्वमेध यज्ञ के आयोजन की घोषणा की गई है, मैं तब से तुम्हें देख रहा हूं। पुत्र, वो कौन सी बात है जो तुम्हें उद्विग्न कर रही है?
वो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम ढूंढ रहे हो पर तुम्हें अभी तक मिला नहीं है। ये अश्व जो हमारे वंश, हमारे राज्य की प्रतिष्ठा और हमारे वर्चस्व के लिए दिग्विजय यात्रा करके लौटेगा और फिर इसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। क्या ये प्रथा उचित है गुरुदेव? जब कोई अश्व अपनी दिग्विजय यात्रा पूर्ण करके लौट आता है राम, तो उसकी बलि देकर राजा प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार की ही बलि देते हैं पुत्र। किंतु गुरुदेव, राजा के अहंकार की बलि में भी अहंकार निहित नहीं है। यूं इस प्रकार एक जीव की हत्या करना प्रतीकात्मकता के लिए, क्या ये मनुष्य का अहंकार नहीं? फिर कैसी बलि? प्रथाओं से बहुतों का विश्वास जुड़ा होता है राम। यदि चुनौती दोगे पुत्र तो विरोध होगा, क्योंकि प्रथाओं को व्यक्ति अपनी महत्ता को परिभाषित करने के लिए उपयोग करता आया है। प्रथा पे प्रश्न उसके अस्तित्व, उसकी महत्ता पर प्रश्न उठाने जैसा है। किंतु गुरुदेव, कोई तो विकल्प होगा जिससे व्यक्ति की महत्ता भी बनी रहे और यूं इस प्रकार एक जीव की हत्या भी ना हो। इस बारे में विचार करने से पूर्व तुम्हें बलिदान के मूल अर्थ के बारे में समझना होगा पुत्र। गुरुदेव, आप ही समझाइए राम को। प्रथाएं लोग निर्धारित करते हैं, राम अपने निर्णय के पक्ष में जो भी कहना चाहे प्रजा से कह सकता है। और यदि प्रजा उसे स्वीकार कर लेती है तो राजा को भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। राम, अपनी बात विस्तार से कहो पुत्र। मैं जो कहूं वही होना चाहिए, मुझे कोई अधिकार नहीं आपकी आस्था, आपके विश्वास में हस्तक्षेप करने का। मैं तो मात्र आप सबके समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूं। ये अश्व जो हमारे राज्य की प्रतिष्ठा के लिए पिछले एक वर्ष से निरंतर भाग रहा है, जाने कितने कष्ट सहे, कितने संकटों का सामना किया, और आज जब ये लौटा है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और हम है कि इसकी बलि देने को तत्पर है। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हम जो इसके साथ कर रहे क्या वो मानवीय है?
क्या ये पारितोषिक मिलना चाहिए इसे और किस लिए? क्योंकि एक प्रथा चली आ रही, तो क्या हमें उस प्रथा पर चिंतन भी नहीं करना चाहिए? यूं इस प्रकार एक निर्दोष जीव की हत्या क्या उचित है? कोई भी प्रथा जो हमें हमारे वर्चस्व का आभास कराती है, हमें स्वीकार्य हो जाती है। हमारे वेदों में जो भी लिखा है, हम प्राय उसे उसके प्रत्यक्ष रूप में ही मान लेते हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वो सरल है। किंतु हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि उनमें जो भी लिखा है उसके विविध अर्थ हैं, और एक अर्थ ये भी है कि यज्ञ में किसी जीव को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। किंतु क्या हम उस पर ध्यान देते हैं? यत पुरुषेण हविषा यज्ञम देवा तन्वत। अस्ति नु तस्मादो जियो यद विहव्यने जीरे। अर्थात बाहरी यज्ञ से श्रेष्ठ आंतरिक यज्ञ होता है। हमारे शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को ना समझने का दंड एक निर्दोष जीव को क्यों दिया जाए? मैं अपना मत इस बलि के विरोध में रखता हूं और प्रतीकात्मक बलि प्रस्तावित करता हूं। प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए यदि हम ईश्वर को दोषी मान लें, तो ये समस्त मानव जाति के लिए धिक्कार की बात है। ईश्वर पे मुझे विश्वास है नहीं, पर मनुष्यों के उद्धार की आशा जो मुझे तुमसे है राम, उसके साकार होने पर अवश्य विश्वास होता जा रहा है। मेरा मत भी आपके साथ है राजकुमार। मेरा भी मत आपके साथ है राजकुमार राम। मेरा भी हमारा मत भी आपके साथ है। तो क्या अब ये शिक्षित लोग निर्धारित करेंगे हमारी प्रथाएं? राजकुमार, हम आपकी संवेदनशीलता का सम्मान करते हैं, किंतु साथ में यह भी स्मरण दिलाते हैं कि एक अश्वमेध यज्ञ एक सहस्र यज्ञों के समान होता है, और जब कोई राजा अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व की बलि देता है तो एक सहस्त्र अन्य पशुओं की बलि रुकती है, और इससे समस्त प्रजा का भला होता है, समस्त प्रजा का लाभ होता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, हमारे शास्त्र ये भी तो कहते हैं। किंतु यदि हिंसा समाज के उद्धार के लिए हो तो वो हिंसा नहीं है, वो अधर्म नहीं है। और ये स्मरण रहे राजकुमार कि राजा की कीर्ति से ही प्रजा की कीर्ति का संबंध होता है।
राजा की कीर्ति किसी निर्दोष पशु की हत्या में भी तो नहीं है, बल्कि उसके संरक्षण में। मैंने तो यही सीखा है कि 100 अश्वमेधों से बढ़कर पुण्य किसी एक के प्राणों की रक्षा करने में। कौशल का ये अश्व समस्त आर्यव्रत की दिग्विजय यात्रा करके लौटा है, और यदि अब हम इसकी बलि दे देते हैं तो इससे बढ़कर हमारी पराजय हो ही नहीं सकती। अयोध्या की प्रतिष्ठा, रघुकुल का गौरव यदि आश्रित हो तो ऐसे कर्मों पर जिनमें प्रजा के, राज्य के हित के लिए राजा का व्यक्तिगत त्याग प्रत्यक्ष, ना के किसी निर्दोष जीव का। मेरा कथन यदि अनुचित हो तो मेरा मार्गदर्शन करें। बस युवराज, बस। आपका कथन सर्वथा उचित है, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आपकी अनुकंपा के समक्ष कोई तर्क पर्याप्त नहीं। आपके नेत्रों में, आपकी वाणी में, आपके विचारों में हमने उस अश्व के लिए जो पीड़ा देखी है उसकी अनुभूति हमने भी की है। आपने सत्य कहा था, किसी के प्राणों की रक्षा करने से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। महाराज, हम युवराज के निर्णय के साथ हैं। राम 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 राम। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। राजकुमार राम की जय। राजकुमार राम की जय। राजकुमार राम की जय। राजकुमार राम की जय। राजकुमार आज तुम्हारे लिए अत्यंत गर्व का दिन होना चाहिए दशरथ। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र ने राम राज्य की आधारशिला रख दी है। प्रजा का निर्णय तो स्पष्ट है, ये सभी तुम्हारे पुत्र के साथ हैं। दशरथ, तुम भी इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार करो। राजकुमार राम की जय। राजकुमार राम की जय। ऐ कौशल नरेश दशरथ, अपने पुत्र राजकुमार राम का प्रस्ताव और प्रजा के निर्णय को सबके सहमति के साथ स्वीकार करता हूँ। तुमने आज क्रांति की शुरुआत कर दी है। इस स्वर्ण से निर्मित अश्व की प्रतीकात्मक बलि के पश्चात ये स्वर्ण प्रजा के उद्धार के लिए उपयोग में लाओ। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति समर्पित करो इसे।
पर ध्यान रहे, इसका लाभ सभी तक पहुंचे, भले ही वो किसी भी प्रांत से क्यों ना हो या समुदाय से। महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की। कल्याण हो पुत्र, ऐसा नहीं कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं था, परंतु तुम्हारी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर मैं सोच में पड़ जाता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो संभव कैसे होगा। ये मेरा अपना दोष है कि मैं तुम्हारे विचारों की सत्यता समझने में असमर्थ हो जाता हूं।